अलवर में हमेशा पानी की किल्लत गर्मियों में ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सर्दियों में ही पानी की मांग बढ़ गई है, जिसे लेकर सोनावा डूंगरी में भारी संख्या में लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो रही। ये वार्ड नंबर 35 है, इसमें पानी की समस्या इतनी आ रही है कि जहाँ दिल्ली का एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, वो भी 10 मिनट पानी नहीं आ रहा है। कभी आता है 5 मिनट, कभी 10 मिनट, टंकी में पानी नहीं छट रहा है। पार्षद जी को भी कई बार हमने सूचना दे दी है, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाए हैं अब तक। IN साहब को, जैन साहब को 10 बजे से लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर अभी तक कोई जू नहीं पड़ रही है। स्टाफ इनके कर्मचारी को हमने यहाँ पकड़ के बैठा रखा है, इन्होंने फ़ोन कर दिया, पब्लिक ने फ़ोन कर दिया, लेकिन अभी तक जलदाय विभाग के ऊपर अब तक कोई असर नहीं पड़ा। उनका वाटर वर्क्स का आदमी हमारे यहाँ पर बैठा रखा है, वो सुबह से 8 बजे से भूखे प्यासे बैठा है, लेकिन वो लोग आराम से स्नान कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, और यहाँ पब्लिक बेचारे मजदूर लोग हैं जो 300-300 रुपये में टैंकर पटकाना है। जी, जो बेचारे 100 रुपये रोज कमाते हैं, वो क्या टैंकर पटकाएंगे साहब? इसलिए आज टंकी पर चढ़ के आज पूरी पब्लिक टंकी ऊपर आकर के और JN साहब को दिखाने के लिए कर रहे हैं। खेतड़ी उपखंड में पाले से फसल खराब होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को मुआवजे की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन दिया। इस दौरान किसानों ने मौके पर पटवारी को भेजकर गिरदावरी रिपोर्ट करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि किसान की फसल 90% तक खराब हो चुकी है।